नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि सीमा सुरक्षित तो देश सुरक्षित, और अगर आपने दुश्मन को कमतर आंका और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो ये देश के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने दो फ्रंटियर युद्ध के मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारी की और तैयारी बढ़ती ही जा रही। उसी कड़ी में देश के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया जिससे दुश्मन की सांसें अटक जाएंगी। जी, खबरों की माने तो भारतीय सेना का लाइटर एयरक्राफ्ट तेजस अब और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। इंडियन एयरफोर्स ने इस हल्के लड़ाकू विमान को अमेरिकन जॉइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन JDAM किट से लैस किया। इस तकनीक के बाद LCM फाइटर जेट दुश्मन के ठिकानों पर और अधिक सटीकता से निशाना लगाने में सक्षम होगा। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमेरिकन जॉइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट को लेकर एक अनुबंध पर साइन किया था। ये टेक्नोलॉजी हवा से जमीन पर 80 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर सही निशाने पर बम गिराने में मददगार होती। JDAM किट से लैस होने वाला भारतीय वायुसेना का पहली स्वदेशी स्क्वाड्रन तेजस फाइटर जेट की। ये स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान भविष्य में भारतीय सेना के प्रमुख विमानों में से एक होगा। इससे पहले एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट को और मजबूती देने के लिए फ्रांस की हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल से लैस किया था, जिसके बारे में जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और तेजस एयरफोर्स को और मजबूत करेगा। इससे दुश्मन पाकिस्तान पर जबरदस्त बढ़त मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान पर भारत ने बढ़त बनाई। इसके अलावा तेजस लड़ाकू विमान में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लगाई गई। ये तो आप जानते ही हैं कि सरकार सेना को आधुनिक बनाने पर लगी और ये नतीजा उसी का है। ये आप जानते हैं कि तेजस फाइटर जेट भारत में निर्मित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान 8 से 9 टन वजन के साथ 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इसके अलावा तेजस विमान दुश्मनों के रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है और दूर से ही विरोधी विमानों को मार गिरा सकता है। ये युद्ध जैसी विशेष परिस्थितियों में कुशलता के साथ काम कर सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस फाइटर जेट चीन के JF-17 से कहीं बेहतर विमान। तेजस में फ्रांस से मंगाई जा रही हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाना। इससे लड़ाकू विमान की मारक क्षमता और बेहतर हो जाएगी। इससे आप भारत की मंशा को समझ सकते हैं।